बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारत को अरब देशों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अरब देशों की आपत्ति पर भारत सरकार को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। इससे पहले भी दो मामलों में ऐसी स्थिति देखने को मिल चुकी है। 2015 में सांसद तेजस्वी सूर्या ने सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया था। अरब देशों की निंदा के बाद तेजस्वी ने ट्वीट हटाकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। अप्रैल 2020 में निजामुद्दीन मरकज पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा तो अरब देशों ने इसकी आलोचना की। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सफाई में कहा था, कोविड-19 जाति धर्म या सीमाओं को नहीं देखता। नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं amarujala.com। अरब देशों की आपत्ति पर भारत को इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों करनी पड़ती है, इसकी क्या वजह है? चलिए इसकी 5 वजह हमने तलाशी है, एक एक करके आपको बताते हैं। पहली वजह है गल्फ देशों के साथ तेल और गैस का जो निर्भरता है हमारा गल्फ देशों पर। वो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च महीने में संसद में कहा था, भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता हमारी कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। भारत सरकार के नीति निर्माण में तेल कितना अहम है, इसका अंदाजा कैग की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि भारत ने 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37,878 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के नहीं बल्कि देश की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा खास है। यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के इमोशनल मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील रहता है। दूसरी बड़ी वजह पर बात कर लेते हैं, गल्फ देशों में है भारत के सबसे ज्यादा मजदूर। भारत से बड़ी संख्या में नौकरी की तलाश में लोग गल्फ देशों की ओर जाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गल्फ के सिर्फ 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 35 लाख लोग यूएई और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, यूएई और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर हैं, रेस्टोरेंट हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई के सोशल मीडिया पर बायकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर अच्छा खासा असर पड़ना तय था। तीसरी बड़ी वजह, विदेशों से भारत आने वाले पैसे में भी गल्फ देश आगे हैं। गल्फ देशों के बयान पर भारत के तुरंत एक्टिव होने की एक बड़ी वजह विदेशी पैसा है। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भारत भेजा था। इनमें से 53% पैसा सिर्फ 5 गल्फ देश यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान से भारत आया था। आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में इस पैसे का सबसे ज्यादा 59% हिस्सा 3 राज्यों, वो कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए, महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल में आता है। और यही वजह है कि भारत गल्फ देशों के भावनात्मक मुद्दे को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहता। चौथी बड़ी वजह, गल्फ देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर्स में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन है। 2020-21 में भारत और यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है अगर भारत एक्शन ना ले तो। पांचवी बड़ी वजह पर बात करते हैं, गल्फ देशों से भारत का एक कल्चरल और हिस्टोरिकल जुड़ाव भी है। आजादी के बाद ही भारत और सऊदी अरब के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। जियोपॉलिटिकल और
व्यापार के अलावा कल्चरल वजहों से भी भारत के साथ गल्फ देशों के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। इसकी खास वजह यह है कि सऊदी में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। ऐसे में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश यानी भारत से हर साल लाखों लोग इस पवित्र धर्म स्थल पर जाते हैं। हिस्टोरिकल जुड़ाव की बात करें तो 2000 ईसा पूर्व से ही गल्फ के दिलमन सभ्यता का भारत के साथ व्यापारिक जुड़ाव रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी गल्फ देशों का भारत के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। ये बात तमाम रिसर्च से सामने आ चुकी है। तो ये थी वो 5 वजहें जिसके कारण गल्फ कंट्रीज अगर किसी मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताती हैं भारत के साथ तो भारत को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के केस में भी यही हुआ है। हालांकि भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कह दी है और कर दी है और कहा है कि जो उनके बयान हैं उससे सरकार इत्तेफाक नहीं रखती, उन पर एक्शन भी ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्ते भारत के मधुर बने रहें इसके लिए कोशिशें जारी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।